इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि साइड बैक कैसे इनेबल कर सकते हैं। अभी जो नीचे थ्री बटन आपको दिख रहे हो उस वाले बटन को आप हाइड करके लेफ्ट राइट वाले बटन को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे आपको नेविगेशन बटन को चेंज करनी है अपने रियलमी 70X। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। सेटिंग्स पे आ जानी होगी। सेटिंग्स पे जैसे ही आएगा तो बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो नीचे स्क्रॉल के आ जाने होगी और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिस्टम एडिशनल सेटिंग्स। एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा। एडिशनल सेटिंग्स पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बॉटम दिख रहा होगा सिस्टम नेविगेशन, इस पर क्लिक कीजिए। और इस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। बॉटम गिस्टर यहाँ पे दिख रहा होगा तो सिंपली गिस्टर पे क्लिक कर देनी होगी। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन आपको शो हो रहा होगा, देख पाऊँ तो एक लाइन, इस लाइन को आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए, आप इसे हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्विच टू प्रीव्यू इस पर क्लिक कीजिएगा, इसको इनेबल कीजिएगा। अब ये दोनों का क्या काम है, जैसे कि यहाँ पे बैक में कोई बैकग्राउंड में आपका एप्लीकेशन चल रहा है तो यहाँ से कट कीजिएगा तो वहाँ पे अदर एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना गैलरी ओपन हो जाएगा, देख पाऊँ तो बैक में गैलरी था तो गैलरी ओपन हो गया। तो इस तरह यहाँ पे वर्क करता है। और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट राइट आपको कम्बिनेशन करना है, कितना आपको रखना है, आपको इतना रखना है तो इतना रख सकते हैं, कम रखना है तो आपको बेटर कम रखेगा तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं बट बेटर आपको कम कर दीजिएगा तो आपको बेटर होगा। इस तरह का यहाँ पे अपने बटन को हाइड कर सकते हैं, देख लीजिए आप बर्क कर रहा है। तो इस तरह यहाँ पे बैक बटन को आप हाइड कर सकते हैं। तो वीडियो जब आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कीजिएगा।